फतेहपुर सिकरी में हुआ बड़ा हादसा। बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर फतेहपुर सिकरी में बड़ा हादसा हुआ है। शाही स्मारक की रेलिंग से गिरी विदेशी महिला, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर शाही स्मारक की रेलिंग से विदेशी महिला गिर गई है। 9 फीट की ऊंचाई से गिरी महिला पर्यटक, तो बड़ी खबर आगरा से है। रेनबो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई। विदेशी महिला गिरी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, विदेशी महिला की उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है। फतेहपुर सीकरी के रेलिंग से विदेशी महिला गिर गई, बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। पुरातत्व विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर फतेहपुर सीकरी में बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी के रेलिंग से विदेशी महिला गिर गई, अस्पताल के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो शाही स्मारक की रेलिंग से गिरी विदेशी महिला, बताया जा रहा है कि 9 फीट की ऊंचाई से गिरी है महिला पर्यटक, ये खबर आपको आगरा से बता रहे हैं हम। रेनबो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मृत्यु भी हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जीशान जुड़ चुके हैं। जीशान, विदेशी महिला की मृत्यु हो गई है, क्या कुछ इस मामले को लेकर अपडेट है? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आगरा के फतेहपुर सीकरी में एक महिला पर्यटक रेलिंग से गिरकर गंभीर रूप से पहले घायल हो गई थी। महिला पर्यटक को इस मार्ग में आधे घंटे तक इलाज नहीं मिला, एम्बुलेंस आने में करीब 1 घंटा लग गया। गंभीर हालत में महिला पर्यटक को आगरा SN इमरजेंसी में रेफर किया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। फिर उसके बाद उसको आगरा के रेनबो हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर आला अधिकारी आगरा DM की बात करें, आगरा DM जो है वो भी मौके पर पहुंच गए और DCP भी मौके पर पहुंच गए। मामले की जांच की जा रही है। ये महिला पर्यटकों का दल 20 पर्यटक ताजमहल देखने के लिए आगरा आए थे और आज दोपहर को वह फतेहपुर सीकरी स्मारक में गए थे, तभी ये हादसा हुआ। जी जीशान, देखिए, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की तरफ से, और क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब Prime TV की तरफ से जो ASI अधिकारी हैं उनसे बात की गई, तो उनका साफ तौर से कहना था कि जो इस फतेहपुर सीकरी की स्मारक में लकड़ी की रेलिंग लगी है, वो रेलिंग के पास पर्यटक फोटो क्लिक कर रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। हालांकि वजह यही बताई जा रही है, जो रेलिंग लगी थी, रेलिंग टूटने की वजह से जो एक विदेशी महिला पर्यटक थी जो 9 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गई। जीशान, जो भी वहां पर देख रेख करते हैं, क्या उनको नहीं पता था कि रेलिंग जर्जर हालात में है और वहां पर लोगों को ना दिया जाने ना दिया जाए? देखिए, रेलिंग उस समय, उसकी अगर हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, रेलिंग अपनी स्थिति में सही थी, लेकिन कह सकते हैं कि लूज बताई जा रही थी। लूज होने के कारण वो रेलिंग वहां से गिर गई और उसके साथ महिला पर्यटक भी नीचे गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सांसद जनपल यादव की BJP सरकार पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा सरकार की नीति नियत पर भरोसा नहीं, जनपल यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। भाजपा का अस्तित्व पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों पर निर्भर, डिंपल यादव ने ट्वीट कर बड़ा हमला बोला है। ये नहीं चाहते पिछड़ी जात की महिलाएं संसद पहुंचे, ये नहीं चाहते कि विधानसभा में देश की आवाज बने। तो सांसद डिंपल यादव ने BJP सरकार पर हमला बोला है। बता दें कि भाजपा सरकार की नीति नियत पर भरोसा नहीं, डिंपल यादव ने कहा। भाजपा का अस्तित्व पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों पर निर्भर,